नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला के जाने से पूरी इंडस्ट्री इस वक्त शोक में है। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड और क्रिकेट से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। लता जी के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। टीम इंडिया के बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली से लेकर पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर, इसके अलावा पूर्व महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज से लेकर इस वक्त अंडर 19 टीम के कोच वीवीएस लक्ष्मण के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और आकाश चोपड़ा सहित कई दिग्गजों ने उनके जाने पर शोक व्यक्त किया है। बता दें कि लता मंगेशकर का स्वास्थ्य पिछले 1 महीने से लगातार खराब था, जिसके बाद लगातार उनका इलाज जारी था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका, जिसके बाद अब सभी ने उनके जाने के बाद शोक संवेदना व्यक्त की है। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने लिखा है, लता जी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। उनके मधुर गीतों ने दुनिया भर में लाखों लोगों को छुआ। सभी संगीत और यादों के लिए धन्यवाद। परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, भारत की स्वर कोकिला एक आवाज़ जो गूंजती है, एक आवाज़ जो दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए खुशी लेकर आई, आज उन्हें भारी मन से विदा करना है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं, ओम शांति। गौतम गंभीर ने लिखा, महापुरुष अनंत काल तक जीते हैं, लता मंगेशकर जैसा कोई नहीं होगा। हरभजन सिंह ने लिखा, लता जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। आपकी आवाज़ हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। कोटि कोटि प्रणाम लता दीदी। अंजिंकर रहाणे ने लिखा, भारत ने आज अपनी कोकिला खो दी। प्रार्थनाएं लता दीदी के परिवार के साथ। ये शोक की घड़ी है, ओम शांति। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने लिखा, भारत की कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। भारत के लिए एक बड़ी क्षति। उनकी जादुई आवाज अमर रहेगी। मौजूदा वक्त में NCA के हेड वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, भारत रत्न लता मंगेशकर दीदी के निधन से बहुत ही अस्तब्ध हूँ। उनकी आवाज़ और धुन अमर रहेगी। दुनिया भर में उनके परिवार, दोस्तों और लाखों प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं, ओम शांति। तो ऐसे ही लगातार सभी क्रिकेटर्स और पूरा भारत लता जी के जाने से दुखी है और लगातार ट्वीट्स कर उनके शोक संवेदना व्यक्त कर रहा और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कैसा है लता जी का? चलो गाइस, वो कह रहे हैं यार, प्लीज ठीक है। The sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. अरे चुप बैठो रे। आज सुबह 8:12 हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही है। उन्हें 28 दिनों के उम्र हो गया है कोविड डायग्नोसिस। चला।